वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं बहुत टाइम बाद अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं बीच में बहुत बिजी हो गई थी। और किस स्पॉट में कहाँ हूँ मैं, आई हूँ जयपुर और यहाँ का वेदर बहुत 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 गर्म है और बहुत गर्मी है इधर। कंपेरेटिवली चंडीगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी है जयपुर में। सो यस गाइज, मैं बस सो के उठी हूँ, आई गेट फ्रेशन अप फिर उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जयपुर घूम लिया जाए। सो यस गाइज, और मैं तो आ ही चुकी हूँ, साथ में मेरे बच्चे भी आ गए हैं और लैला एंड ओडियो। मैं आपको दिखाती हूँ दोनों क्या कर रहे हैं। अभी शायद आगे सो रहे हैं, गर्मी बहुत है। सो लेट मी शो यू। ये देखिए ये दोनों कैसे सो रहे हैं। लैला, इतनी इनको गर्मी लगती है कि ये लोग यहाँ पर सोना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बेड के नीचे। इतना सही लगता है मौसम। देखो रही हूँ कैसे सो रहा है, बिल्कुल घूरे बेच के। सो यस यू कैन सी गाइस, कितनी तेज़ धूप है यहाँ पर, इतनी तेज़ धूप है कि बंदा रात दिन को तो निकल ही नहीं सकता। यस गाइस, इतनी तेज़ धूप है ना कि बाहर खड़ा नहीं होया जा रहा है। और यस बंदा चलते हुए बहुत तेज़ धूप है। सो यस, मेरे बच्चे भी उठ चुके हैं, यू कैन सी ओरियो भी उठ गया है एंड लैला एज वेल। सो यस, आज का दिन मेरे साथ अभी मैं कल रात को ही जयपुर आई हूँ। सो अभी हम कुछ प्लान करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ नहीं। सो यस, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं अपना शावर लेने जाऊंगी। देन उसके बाद मैं रेडी होके दिन को तो भी ऐसा इतनी तेज़ जा नहीं सकती, गर्मी है, बट थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकलूँगी एंड देन आई विल गो एंड ईट समथिंग बाहर, क्योंकि आयुषी भी दिन को फ्री थोड़ी सी होती है तो मैं उसके साथ जाऊँगी। और जिनको नहीं पता है, आयुषी इज़ माई लिटल सिस्टर जो जयपुर में ही रहती है। सो यस, अभी मैं और वो थोड़ा जाएँगे बाहर घूमने, तो फिर मैं आपको तब आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सो मेरे ये वीडियो एंड तक देखिएगा एंड प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच। तो यस, अब हम जाएंगे लंच डेट पे, हम ऐसे गूगल पे कुछ सर्च कर लेंगे एंड देन विल गो। सो अभी मैं वहाँ जाके सर्च करके देन आपको मिलती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम जा रहे हैं लंच करने। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे या कौन से किस जगह पर जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ का इतना ज़्यादा पता नहीं है और ना ही आयुषी को पता है। सो अभी हम गूगल करेंगे फिर देन विल सी कि कौन से अच्छी जगह पे है, देन विल गो। और उससे पहले हम जाएंगे आयुष का हेयर कट कराने सलोन, क्योंकि उसके बाल काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे उसने कभी लाइफ में बाल लंबे रखे नहीं है, हमेशा छोटे ही बाल रखे हैं, क्योंकि उसको ना लंबे बाल बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। सो अभी से काफ़ी थोड़े बढ़ गया उसके बाल, तो अभी हम सलून जाएंगे, उसके हेयर कट करवाएंगे, उसके बाद हम अपने थोड़ा सा देखेंगे कि कौन सा रेस्टोरेंट बढ़िया है, तो वहाँ जाके हम लंच करेंगे। अभी आयुष में अभी आपको दिखा नहीं सकती, अभी आयुष अपने कपड़े प्रेस कर रही है और वो कभी कैमरे में आना नहीं चाहती है। सो यस गाइज, अभी मैं घर से निकलती हूँ, देन मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या सारा आज का शेड्यूल है। सो यस, बट बाहर बहुत गर्मी है, स्टिल हम जा रहे हैं। देखो मेरी लैला और यो खेल रहे हैं और मुझे इनको छोड़ के जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल अब कई जगह क्या होता है कि रेस्टोरेंट में पेट्स अलाउड नहीं होते हैं, तो फिर हमें इनको लेके जाएंगे परेशान हो जाएंगे इतनी गर्मी में, तो देर इज़ नो पॉइंट। बट स्टिल मुझे ना इनको घर पे छोड़ के जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट स्टिल आज मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा इनको, क्योंकि घर पे कोई है नहीं और हम मतलब 1 and 2 hours के लिए इनको छोड़ देंगे यहाँ पे, तो वो दोनों साथ में रहते हैं तो ये खुश रहते हैं। आयशा स्टिल गेटिंग रेडी, आयशा बहुत लेट तैयार होती है, इतना टाइम देती है तैयार होने में। यस वी ऑल आर सेट टू गो फॉर अ लंच डेट, kind of a lunch date. Hello, massage time. ये देखो ये लैला ऐसे हो जाती है जब इसको बोलते हैं ना कि मसाज टाइम में, तो पुट्ठी हो जाती है, क्योंकि आयुषी लैला को इतनी अमेजिंग मसाज देती है ना। देखो ये कैसे आपको पूरा इस एक एक फील का पता चलेगा। ये देखो बिल्कुल इसने आईज बंद कर दी है
अब ये आयशी इसकी मसाज कर रही है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये मसाज टाइम के नाम से लेट जाती है बिल्कुल, कि अब इसके मसाज का टाइम हो रहा है और पूरी फील लेती है लैला। देखो अभी आईज क्लोज कर दिया इसने, वो ऐसे लेटी रहेगी, ऐसा देखा है कभी? साइड हो गए देखो। ये पूरे मजे ले रही है लैला अपने मसाज के। यू कैन सी गाइस, ये देखो लैला का, लैला की मसाज हो रही है और शी लव्स दिस मसाज, क्योंकि आयुष को प्रेशर पॉइंट्स पता होते हैं तो वो इस पर इतने अमेजिंग तरीके से मसाज करती है ना। तो ये लेटी रहती है, अब ओरियो भी वहाँ बैठ गया, वो कह रहा है कि अब मेरी बारी है। चल लैला, मज़ा आ गया मसाज करा के। देखो अब ओरियो भी लेट गया, अब इसकी भी मसाज हो रही है। देखो लैला कह रही है क्या बना रहे हो, किसकी वीडियो बना रहे हो, बताओ किसकी वीडियो बना रहे हो बेटा। सो यस, ये दिस इज द सैलून जहाँ पे, ये हमारे घर के बहुत नज़दीक है, तो आशु यहीं पे आती है मोस्टली वो करवाने, है ना। तुझे कैसी सर्विसेज लगती है यहाँ की? अमेजिंग। सो यस, हम लोग अभी यहाँ जा रहे हैं, आयुष का हेयर कट होगा, देन वील गो समवेयर। सो यस गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं एक रेस्टोरेंट पे, हमने ढूंढा है बट हमारे घर के पास में ही है। सो यहाँ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आयुष इधर आई हूँ, देखो आयुष का हेयर कट कर दिया है और इतनी सुंदर खूबसूरत लग रही है, देखो बिल्कुल डिफरेंट कलर है इसका, सॉरी कलर नहीं हेयर कट है। मुझे इसकी सर्विस बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत तसल्ली से करता है और बहुत ही मतलब टाइम लगा के अपने कस्टमर पे करता है, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में करेगा, बहुत अच्छे से करता है। और इसने मेरे हेयर कट बहुत अच्छे से किया, मैंने काफ़ी टाइम हो गया हेयर कट नहीं किया था, तो मैं सोची भी अभी नहीं करूँगी क्योंकि मेरी अभी ट्रेनिंग थी, बट मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं क्योंकि बाल से मुझे बहुत इरीटेशन हो रही थी और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप बताओ कि कैसे लग रहे हैं आपको? आई एम बैक होम। आज मुझे जल्दी घर आना पड़ा बिकॉज क्या है ना कि आयुषी की उसकी ट्रेनिंग होती है 4 बजे, तो हमें जल्दी घर आना था, तो इसलिए हम बस 1 घंटे हमने खाया पिया और बस हम अभी पहुँचे हैं। और नहीं मिला मुझे कैसे से कहा, नहीं देखो मेरे बच्चे कहते हैं जब मैं आती कैसे अकेले थे ना तो ये बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, और फिर जैसे मैं कहीं से आती तो ये ऐसे 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 मेरे साथ खेलने की कोशिश करते हैं और मुझे इतना प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा कहा नहीं परेशान, परेशान हो गई, आप परेशान हो गई, देखो देखो लैला कैसे कहीं परेशान हो गई, ओए ओए कहा नहीं देखो वहाँ देखो। परेशान कर देती है इसको, ये देखो। ये पता क्या, मैंने पहले भी शायद अपने ब्लॉग में बताया अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग में, तो जब भी लैला को बोलते ना कि मसाज टाइम, तो वो ऐसे लेट जाती है बिकॉज इसको मसाज इतना पसंद है, क्योंकि आयुष ने इसकी पूरी बॉडी दबाती है एंड इसको बॉडी पूरी दबाती है और ये ना ये बहुत रिलैक्स फील करती है, तो मसाज टाइम के नाम से ये लेट जाती है।
देखो ये देखो देखो, चुप हो गई बिल्कुल। हेलो मासी, मसाज नहीं कर रही है आपकी आज? और दूसरे सर को देखिए यहाँ पे, इन्होंने यहाँ चप्पल को खाने में जोर दिया हुआ है। और यू क्या मैं आपको खाना नहीं देती हूँ जो जो आप ये चप्पल खा रही हो? और यू नो 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 ही अंडरस्टैंड नो, ऐसे बोलो नो बोले तो नहीं करेगा। नो आई सेड नो, बड़ा ही ढीठ है।